ओम नमः शिवाय। किसी भी राशि का वर्षफल बताने से पहले प्रत्येक ग्रहों के वर्तमान समय की स्थिति का परिचय आवश्यक होगा। एक निर्धारित नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं और उसी अनुसार प्रत्येक जातकों पर उनका अपना प्रभाव महसूस होता है। जिस नक्षत्र में जैसी प्रवृत्ति जिस ग्रह की बनेगी, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, या नीच के हैं या उच्च के हैं, इन सारे कारकों के अनुसार दैनिक जीवन प्रभावित होता है। वर्ष 2019 में पहले हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रहों की जो लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसमें शनि देव पहले नंबर पर आते हैं। इस वर्ष शनि देव वर्ष पर्यंत पूरे साल धनु राशि में ही चलते रहेंगे। हाँ, यह वक्री अवश्य होंगे। 1 मई से 20 सितंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब आइए देखते हैं राहु और केतु के लिए, जो कि 23 मार्च को कर्क राशि से वक्री होते हुए मिथुन राशि पर आ जाएंगे और केतु मकर राशि से धनु राशि पर गोचर करेंगे और वर्ष पर्यंत राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि पर ही चलते रहेंगे। बृहस्पति 30 मार्च को वृश्चिक से धनु राशि में चले जाएंगे, मगर 9 अप्रैल से वक्री होकर 10 अगस्त तक वक्री अवस्था में ही बने रहेंगे और 5 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शेष समय धनु राशि में ही चलते रहेंगे। बाकी ग्रहों में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की त्वरित गति से राशि बदलने वाले ग्रह हैं, जो लगभग प्रत्येक माह की राशि बदलते रहते हैं। उपर्युक्त सारे ग्रहों का सार्वभौमिक भौमिक मिला जुला प्रभाव फलादेश के रूप में तैयार होता है। आइए अब चर्चा करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत वृष राशि का राशिफल सारांश रूप में बताते हैं, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धियों वाला होगा। बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यह वर्ष विदेश जाने का योग भी बनाता है। पार्टनरशिप और पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव धैर्य और संयम रखने वाला होगा। अधिक प्रयास और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी मनोवांछित फल प्राप्ति में कमी महसूस होगी। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। सट्टा, शेयर, लॉटरी इत्यादि से दूर रहें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। मकान, जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में स्थिति अनुकूल रहेगी। माता पिता की सलाह उपयोगी सिद्ध होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। प्रेम संबंधों में मतभेद की संभावना बनती है, मगर संतान सुख रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में धीमी गति महसूस होगी। वैवाहिक जीवन में घरेलू समस्याओं को लेकर सामान्य परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक मामलों में थोड़ी संघर्ष की स्थिति और आजीविका में थोड़ा उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में वर्ष के प्रारंभ से ही सावधानी रखनी चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वर्ष के प्रारंभ से ही शुक्र की स्थिति आपकी राशि से छठे भाव से हो रही है। हालांकि शुक्र वर्ष के पहले दिन ही रात्रि 11 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति के साथ उनकी युति 29 जनवरी तक बनी रहेगी। इस दौरान शुक्र और बृहस्पति की युति, जिसका प्रभाव आंतरिक रूप से हार्मोनल ग्रंथियों पर पड़ेगा, यानी वाह्य व्यक्तित्व, वाह्य स्वरूप अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली महसूस होगा, मगर आंतरिक उथल पुथल की शुरुआत हो सकती है, जिसमें विशेष तौर पर शुगर और थायराइड का अचानक अनियंत्रित होना, पेट संबंधी विकारों का बढ़ना, शरीर में जल तत्व की अधिकता और त्वचा से संबंधित संक्रमण का संकेत मिलता है।
कहने का मतलब यह है कि वर्ष के शुरुआती दौर में यदि आप सावधानी बरत ले गए तो आगे आने वाले दिनों में आप अस्थायी तौर पर राहत महसूस करेंगे। यदा कदा जोड़ों के दर्द विशेष तौर पर घुटनों में हो सकती है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से आँखों में परेशानी, दांत मसूड़ों से जुड़ी समस्याएँ, खाने वाले पदार्थों से विषाक्तता, हड्डी संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। अप्रैल से अगस्त के मध्य सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसलिए समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए और यथासंभव खान पान संतुलित रखें। कैसी रहेगी आजीविका? वृष राशि के जातकों के लिए कैसा होगा रोजगार? नौकरी में क्या स्थिति बनती है? आइए देखते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष उपलब्धि वाला वर्ष होगा। प्रोन्नति के अवसर वर्ष की शुरुआत से ही बन जाएंगे। हालांकि आपके भाग्य शनि अष्टम भाव में ही वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। हर काम में थोड़ा समय लग सकता है, मगर सफलता निश्चित तौर पर हासिल होगी, कार्य अवश्य पूरे होंगे। विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह मौका वर्ष के उत्तरार्ध में मिल सकता है। व्यावसायिक उद्देश्यों से कार्य क्षेत्र में विभागीय सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभ दिलाने वाली होगी। पार्टनरशिप या साझेदारी लाभदायक सिद्ध होगी, मगर अप्रैल से 4 अगस्त तक थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। इस दौरान आर्थिक लेन देन सावधानी पूर्वक होना चाहिए। दोषारोपण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से अपने पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद की स्थिति या दोषारोपण की संभावना बनती है। यह स्थिति और बली हो सकती है जब बृहस्पति वक्री रहेंगे। किसी से सहयोग की अपेक्षा ना करते हुए अपने प्रयासों पर ही ध्यान केंद्रित करें, आपके किए गए प्रयास सफल होंगे। आपकी कड़ी मेहनत सफलता के स्वर्णिम समय को और करीब लाती जाएगी और वर्ष के उत्तरार्ध में लंबित परियोजनाएं चालू हो सकती हैं और बहुप्रतीक्षित कार्य पूरे होंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? यह वर्ष आर्थिक और धन संबंधी मामलों में चुनौतीपूर्ण रहेगा। अत्यधिक मेहनत के अनुरूप आय की स्थिति नहीं महसूस होगी, फिर भी जो काम पहले से चले आ रहे हैं उनके द्वारा लाभ मिलते जाएंगे। वित्तीय स्थिति में खींचतान होने के कारण ऋण लेने की स्थिति भी आ सकती है। आर्थिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए अधिक जोखिम वाले आर्थिक योजनाओं को सोच समझ कर क्रियान्वित करें। अपने खर्चों को नियंत्रित करने से आपको राहत मिलेगी। अपने कर्म और अपने भरोसे ही हर कार्य को क्रियान्वित करें, मानसिक दबाव कम महसूस होगा। 16 अप्रैल से 15 मई तक विशेष उपलब्धि वाला समय रहेगा, जैसे सकारात्मक क्रियाशीलता का लाभ आपको आर्थिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा? शैक्षणिक कार्यों में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। छात्रों को अति आत्मविश्वास महसूस होगा। हालांकि यह भ्रमात्मक स्थिति रहेगी। अपने विश्लेषणात्मक पहलू को और मजबूत करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मित्रों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। नई चीज़ें सीखने के लिए अवसर मिलेंगे। वर्ष के मध्य में जून से आत्मविश्वास में सुधार होगा और निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होगी और वह स्थिति पैदा हो सकती है जिसका आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सफलता अप्रत्याशित रूप से देखने को मिल सकती है। इस दौरान आपका बुद्धि कौशल रचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा और सफलता हासिल होगी, मगर दूसरे की सलाह को ना अमल करते हुए अपनी कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देना चाहिए। वैवाहिक जीवन घर परिवार के विषय में कैसा रहेगा यह वर्ष? यह वर्ष यदा कदा आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। घरेलू खर्च, चिंताएं और आपसी संबंधों में मतभेद की स्थिति भी संभावित है। थोड़ा धैर्य और संयम रखते हुए बड़े बुजुर्गों की सलाह को मानते हुए फैसले लें।
खुशहाली महसूस होगी। समस्याओं की वास्तविक जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें और उसे आपस में ही विश्लेषण करते हुए उसका हल खोजें। आपसी संबंधों में प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनने दें। पुरानी बातों और पुराने विवादों की पुनरावृत्ति से बचें, अन्यथा संबंधों में विवाद की स्थिति आ सकती है और संबंध बिगड़ सकते हैं। विशेष तौर से उन्हें सावधानी रखनी चाहिए जिनकी शादी तय हो गई है मगर अभी तक शादी नहीं हुई है। धैर्य और संयम यदि आप कायम कर ले गए तो यह वर्ष आपको विषम परिस्थितियों की परीक्षाओं से उत्तीर्ण कराता रहेगा और जीवन खुशहाली भरा लगेगा। संतान या पुत्र की कामना करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष थोड़ा इंतजार कराने वाला होगा। हालांकि संतान पक्ष के दृष्टिकोण से कोई ग्रह तत्काल प्रभाव में सहयोगी नहीं दिख रहा है। यदि पहले से गर्भावस्था की स्थिति चल रही है तो मार्च से मई का महीना विशेष सावधानी वाला होगा, जिसमें खान पान को संतुलित रखें, अप्रत्याशित यात्राओं से बचें और हर हाल में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर अमल करें और नियमित डॉक्टरी सलाह लेते रहें। इस वर्ष के दौरान विशेष उपलब्धि वाला समय 2 जनवरी से 29 जनवरी, 16 अप्रैल से 11 मई, 4 जून से 28 जून और 11 सितंबर से 28 सितंबर तक का रहेगा। इस समय अवधि का अगर पहले से लक्ष्य रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। यह वर्ष आपको 4 सुनहरे मौके देगा जिसमें यदि आप पहले से ही तैयारी किए हुए हैं तो विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, विघ्न बाधाओं में कमी हो और हर स्थिति अपने अनुकूल बनती रहे। अपने पहनने वाले वस्त्रों को साफ और स्वच्छ रखें। पूरे स्त्री समुदाय को आदर और सम्मान के दृष्टि से दृष्टिगोचर करें। अपनी गृह लक्ष्मी जीवन संगिनी के साथ सम्मानजनक रूप से पेश आएं। शुक्र का शुभत्व और अधिक बढ़ेगा। बुध जो कि आपकी धन और क्रियाशीलता का कारक है, उसकी भी स्थिति अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी। बुजुर्गों का सम्मान और अपने सेवकों को प्रसन्न करने की कोशिश करें। समय समय पर उचित उपहार देते रहें, सफल रहेंगे। गाय को घी लगी हुई रोटी, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क कर खाने को दें। बुधवार को हरा चारा गाय को विशेष तौर से खिलाएं और शनिवार को आटे में चीनी मिलाकर सूक्ष्म जीवों के लिए दीवार के किनारे या पेड़ के नीचे छिड़क दिया करें। अप्रत्याशित बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और यह वर्ष सफलता और खुशियों को लेकर बीतेगा।